Good morning, dear children. We're back with a new story. And yes, what pretty pictures do I have in front of my eyes? My goodness, there's a huge bunch of monkeys right in front of us. So many monkeys. And therefore, for this story about so many bandar mamas, the name of the story is correct, Monkeys on Fast. Monkeys on Fast. It is on page 9696 of next book 5 for senior KG class. Right. Teacher has already told you the story, but I'll explain it to you again. Now, when a story is given like this, okay, where there is a picture and there are dialogues. Can you see? There are dialogues. This monkey is talking. Okay, there's a rectangle where that dialogue is written. This monkey is talking. This monkey is talking. This monkey is talking. And the whole story is like this, with pictures and dialogues. Then we call it a comic strip. We call it a comic strip. You get many comic strips in the market. आपने ऐसी comic strips में बहुत सारी stories पढ़ी होंगी ना, और वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. रामायण, महाभारत, रानी ऑफ झांसी, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कृष्णा, ओके, हनुमान, बेबी हनुमान. यू गेट लॉट्स ऑफ स्टोरीज इन कॉमिक स्ट्रिप्स एंड आई सिंपली लव देम. ओके, बिकॉज कॉमिक स्ट्रिप में क्या होता है, आई गेट लॉट्स ऑफ पिक्चर्स एंड डायलॉग्स. सो ये स्टोरी पढ़ने का कुछ मज़ा ही अलग होता है. राइट, सो दिस स्टोरी इज अबाउट मंकीज ऑन फास्ट. अब ये जो फास्ट है, ये फास्ट का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी जाना. यहाँ वाले फास्ट का मतलब है उपवास. उपवास आपको पता है ना, मम्मा उपवास रखते हैं कभी कभी आषाढ़ी एकादशी के दिन, कभी शिवरात्रि के दिन, या कोई कोई मम्मियाँ थर्सडे को या फ्राइडे को रखते हैं, पापा कभी कभी शनिवार को फास्ट रखते हैं. तो उसी तरह इस स्टोरी में एक बार सारे बंदरों ने डिसीजन लिया कि वो उपवास करेंगे. चलो देखते हैं फिर क्या हुआ. राइट, आपने कभी उपवास ट्राई किया है? पर ये झूठा मूठा उपवास नहीं है, एकादशी दुप्पट खाशी वाला कि दिन भर साबुदाना खिचड़ी खाया, वेफर्स खाए, फ्रूट्स खाए, उपवास के राजगिरा लड्डू खाए, ये वाला नहीं. ये वो उपवास था जहाँ उनको दिन भर भूखा रहना था. They had to remain hungry. So what happened? Let's see. Okay. One day, the king of monkeys, Champak, the name of the king of monkeys is Champak, called all the monkeys of his kingdom for a meeting. In the meeting, he told them, see, we all should fast tomorrow. Fasting is good for health. Fast? What is fast? What is a fast? Okay, तो एक बार एक जंगल में बहुत सारे मंकीज रहते थे. उनके एक राजा थे. ये देखो मंकी के राजा लाई हूँ मैं आपको दिखाने के लिए. मंकी के राजा चंपक. चंपक, ओके, दिस इज मोर ऑफ अ गोरिला बट यू कैन अंडरस्टैंड. ही सेज इन्होंने ना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन कैंप अटेंड किया था, और वहाँ पे बोला कि हफ्ते में एक दिन उपवास करने से तबीयत अच्छी रहती है. तो ये जो मंकी के राजा थे ना चंपक, वो सब मंकीज की सभा लेते हैं, मीटिंग बुलाते हैं. देखो सब मंकीज पेड़ के वहाँ बैठे, मंकीज ट्रीज पे रहते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कि चलो कल हम सब उपवास करेंगे. प्रजा, उपवास करना चाहिए. उपवास अपनी तबीयत के लिए, अपनी सेहत के लिए अच्छा होता है. फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ. पर मंकीज ने तो कभी ये वर्ड नहीं सुना था. वो बोलते फास्ट, उपवास, व्हाट इज़ फास्ट, व्हाट इज़ फास्ट, उपवास मतलब क्या.
तो जो चंपक राजा थे ना, उन्होंने उनको उपवास का मीनिंग समझाया। फास्टिंग इज नॉट ईटिंग एनीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो वो बोलते फास्टिंग मतलब सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ओहो, ये मंकीज तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि मंकीज आपको पता है दिन भर खाते हैं, नट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बनानास खाते हैं, फेवरेट है ना, और वो सारा दिन खा खा के मुंह में दबाते हैं और फिर दिन भर चबा 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 करते रहते हैं। तो मंकीज बहुत चिंता में आ गए। ओ बोबा, बोले चंपक राजा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, हम कैसे भूखे रहेंगे पूरा दिन, राइट। सो देन उनमें से एक मंकी था, वो थोड़ा स्पोर्टी था, वो बोलता है नो क्लिफ, क्लिफ एक मंकी का नाम था, तो ये बोलता है नो क्लिफ इट्स इजी, हमारे राजा ने कहा तो हमको सुनना चाहिए, इट्स वेरी इजी। सो राजा बोले ओके, सो ऑल ऑफ अस विल मीट हियर टुमारो मॉर्निंग एट 6 o'clock टू फास्ट। कल सुबह सब मंकी जल्दी उठेंगे, 6 o'clock को मुझे मिलेंगे, हम इस पेड़ के नीचे कल उपवास करेंगे। सारे मंकीज ने राजा की आज्ञा, चंपक राजा की आज्ञा को चुपचाप सुन लिया और बोले ओके ओके, राइट। सो व्हेन दिस मंकी सेड नो नो क्लिफ इट्स इजी, द राजा कॉल्ड एवरीवन एट 6 o'clock टू फास्ट विद हिम, राइट। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द मंकीज गैदर्ड टू फास्ट। जस्ट देन दामू हैड एन आइडिया, ओके आई थिंक वी शुड कीप द फूड रेडी बिफोर वी बिगिन आवर फास्ट। यस, ऑल ऑफ यू गेट योर फूड एंड कीप इट रेडी, ओके। अगले दिन सुबह सुबह सब मंकी 6 बजे पेड़ के नीचे पहुंच गए, ओके और बोले ओके राजा, चंपक राजा कम ऑन लेट्स फास्ट। बट उनमें से एक मंकी था दामू, देखो ये दामू मंकी, दामू उसको एक आइडिया आता है, वो बोलता है हम क्या करते हैं, हम शाम तक भूखे रह के बहुत थक जाएंगे, तो हम लोग ना हमारा खाना ला के रेडी रखते हैं, तो जैसे ही शाम को उपवास ख़त्म हो जाएगा हम जल्दी जल्दी खा लेंगे, हमें भूख लगी होगी ना तब तक। तो जो राजा चंपक के बोलते यस ओके इफ यू वांट वी विल डू दैट, ऑल ऑफ यू गो एंड गेट योर फूड एंड कीप इट रेडी। ओ माय गॉड, देखो ऑल द मंकीज वेंट इन टू द जंगल एंड ब्रॉट लोड्स ऑफ बनानास। ये सारे मंकी जंगल में गए, कितने सारे बनानास जमा करके अपने सामने रख दिए। अभी आप सोचो, दिस वॉज ऑन पेज 9797, सोचो क्या हुआ होगा अगर आपका उपवास है और आपके सामने कोई इतना यमी यमी खाना रख दे, तो आप चुप रह सकते क्या? नहीं। और वही हुआ, इन मंकीज को भी बनानास देख देख कर भूख लग गई। देखो क्या होता है, लेट्स टर्न द पेज फ्रॉम 9797 टू पेज 9898, ओके। लेट अस ऑल शेयर द बनानास बिफोर वी बिगिन द फास्ट, यस वील बी हंग्री इन द इवनिंग। तो ये मंकीज बोलते चलो हम लोग अपने अपने बनानास सबको बांट देते हैं, नहीं तो शाम तक हमको भूख लग जाएगी, तो अभी वो काम कर देते, ओके लेट अस डू दैट, बट रिमेंबर नो वन शुड ईट देम। राजा बोले ठीक है, अगर आपको बनानास बांट देने हैं तो आप बांट सकते हैं, लेकिन चंपक राजा बोले उनको कोई नहीं खाएगा। वो बोलते यस बॉस, यस किंग, वी विल नॉट ईट देम, वी वोंट। सारे मंकीज बोलते हमें अपने अपने बनानास दे दो, लेकिन आप प्रॉमिस करते कि उनको खाएंगे नहीं। एवरी मंकी गॉट इट्स शेयर ऑफ बनानास, ओके सब मंकीज को बनानास दिए गए। थोड़ी देर के बाद एक मंकी ने बोला आई विल पील माई बनानास एंड कीप देम रेडी। मी टू मी टू। तो मंकीज ने बोला, इस एक मंकी को आइडिया आता, वो बोलता ऐसा करता हूँ शाम को मुझे भूख लग जाएगी तो मैं अपने बनानास छिल के रखता हूँ। पीलिंग, आई विल पील माई बनानास, मैं छिल के रखता हूँ एंड कीप देम रेडी। दूसरे मंकी बोलते मैं भी मी टू मी टू। सो दे ऑल ट्राई टू पील दे बनानास एंड कीप देम रेडी। सब बोलते आई विल पील माइन टू, ऑल राइट पील द बनानास बट रिमेंबर नो वन शुड ईट देम। तो बाकी मंकीज ने भी राजा को पूछा, चंपक राजा
हम अपने केले भी छिलके रखें क्या? राजा बोलते हैं ओके ठीक है ऑल राइट पील द बनानास बट रिमेंबर यू शुड नॉट ईट देम ओके. तो वो बोलता है कि ठीक है आप छिलके रखो पर खाना नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस ऑन पेज 9999. आपको समझ में आ गया होगा कि अभी सिचुएशन कैसे हो रही है. ऑल द मंकीज पील देयर शेयर ऑफ बनानास एंड केप देम रेडी. आई विल कीप अ बनाना इन माई माउथ. मी टू. फिर क्या हुआ? अभी छिले हुए बनाना आपके सामने रखा होगा तो आप क्या बोलेंगे? चलो मैं उसको मुंह में रख के देखता हूँ. और इसी तरह इस बंदर को लालच हुई. दामू ने बोला मैं क्या करता हूँ, मैं इस बनाना को अपने मुंह में रख के देखता हूँ. ओके देन ऑल ऑफ देम सेड एवरीवन सेड मी टू. आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड डू द सेम. वी कैन हैव इट क्विकली व्हेन वी ब्रेक द फास्ट. ओके वो बोलते हैं चलो हम सब मुंह में रखते हैं बनाना, जैसे ही हमारा उपवास टूटेगा हम उसको जल्दी खाएंगे. तो अभी चंपक राजा बोले जाने दो, तुम लोग तो नहीं सुनोगे, जो तुम्हें करना है करो. ओके यू कैन डू दैट बट रिमेंबर नो वन शुड ईट देम. वी प्रोमिस. सब मंकीज बोलते ओके ओके चंपक राजा हम मुंह में रखेंगे बट खाएंगे नहीं. वी प्रोमिस, हम प्रोमिस करते हम नहीं खाएंगे. देखो क्या हो रहा है. हर मंकी ने अपने मुंह में बनाना रखा. एवरी मंकी केप्ट अ बनाना इन इट्स माउथ. और क्या हुआ होगा, उनसे रहा गया होगा क्या? नहीं. ब्लक यम्मी. जैसे ही उन्होंने मंकीज ने बनाना जीभ पे रखा तो उनको जीभ में उसकी मीठी मीठी टेस्ट आ गई और भूख लगने लगी. ओके और ऑब्वियसली क्या होगा, सबने अपना मंकी बनाना सोलो कर लिया होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन पेज 100. टर्न द पेज. ओके बेचारा चंपक राजा बोल रहा था डोंट ईट, मत खाओ. लेकिन कोई राजा की सुन रहा था क्या? कोई भी चंपक राजा की सुन रहा नहीं था. ओके ओप्स माय बनाना स्लिप्ड इन टू माई थ्रोट. ये मंकी बोला अरे बनाना तो अपने आप मेरे गले में अटक गया, गले के अंदर चला गया. दूसरे मंकी बोले माइन टू. फिर क्या हुआ, माई बनाना स्लिप टू. इट इज डिफिकल्ट टू कीप इट इन द माउथ फॉर लॉन्ग. इट इज डिफिकल्ट. सब मंकीज बोलते अरे बनाना को तो मुंह में पकड़ के रखना बहुत डिफिकल्ट है, मेरा तो स्लिप होके गले के अंदर चला गया. ओके मेरा भी स्लिप हो गया. एक एक डिफिकल्ट. ये देखो इसके मुंह में बनाना है इसलिए वो टूटी फूटी लैंग्वेज बोला खाते खाते यक यक इट इज डिफिकल्ट. आखिर चंपक राजा समझ गए, बोले तुम लोगों से मुझे कोई आशा नहीं, तुमसे कोई होप नहीं. फास्टिंग इज रियली डिफिकल्ट. ओके यू कैन ऑल ईट द बनानास. फास्टिंग इज डिफिकल्ट, लेट अस ईट द बनानास. सब खुश हो गए और खटाखट खटाखट धपा धप उन्होंने सारे बनानास खा लिए. तो आप ये बताइए कि मंकीज फास्ट करने में सक्सेसफुल हुए क्या? नहीं. इसीलिए फास्टिंग बहुत डिफिकल्ट माना जाता है. जब मम्मा उपवास रखती है और दिन भर भूखा रहती है तो कभी कभी आपको भी बोलती है कि आप उपवास रख सकते हैं. देखो जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो तो रमज़ान के टाइम 30 डेज का फास्ट करते हैं. बहुत डिफ़िकल्ट होता है. बट अगर हमारे मन में इरादा पक्का है और अगर हम हफ्ते में एक बार उपवास करते हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है पता है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी. अगर हमने सोच लिया, हमें विल पावर रखना चाहिए, हमने ठान लिया कि अगर हम फास्टिंग करेंगे, हम उपवास करेंगे, तो हमें उसको तोड़ना ही नहीं चाहिए और दिन भर अपने सामने खाना रखना नहीं चाहिए. फिर शाम को आप मज़ेदार पकवान बना के खा सकते हैं. ओके डिड यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस कॉमिक स्ट्रिप स्टोरी? आपके समझ में आया ना? आप देखो इस स्टोरी में पूरे पिक्चर्स और डायलॉग्स हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इट्स अ कॉमिक स्ट्रिप स्टोरी.
इंजॉय रीडिंग. मैंने जो रीडिंग के इंग्लिश में डायलॉग्स बोले हैं आपको उसे फॉलो करना है. ट्राई रीडिंग इट योरसेल्फ. हैप्पी रीडिंग. बाय.